Kangana Ranaut is known for never mincing her words. As someone who is known to express her opinions via tweets on most matters concerning the nation, the Bollywood actress took to her Twitter handle to target Punjabi singer Diljit Dosanjh and actress Priyanka Chopra again on Republic Day. Sharing a picture of a protester planting a flag, she said that the incident makes a mockery of the nation on a global stage. Kangana has been involved in a social media feud with Diljit over the ongoing farmers' protests and has also made comments against Priyanka in the past, although Priyanka has never responded. In a tweet she wrote, "You need to explain this, Diljit and Priyanka. Whole world is laughing at us. Yahi chahiye tha na tum logo ko. Congratulations." In another video, the actor expressed her anger at the violence that erupted in New Delhi. Sharing the video, Kangana called for those who supported the agitation to be jailed. Dosto, hum dekh rahe hain ki kaise aaj Ganatantra Divas ke din Lal Kile pe hamla kiya gaya hai. वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है. ये इस दिन जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि हम हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें. ये वक्त था कि हम इस चीज़ को मना सकते थे. आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने, जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं. और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं या आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सरेआम हो रहा है. ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है. आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं. कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है. जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं. ये देश का कुछ नहीं होने वाला है अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे. इस देश का कुछ नहीं होने वाला है. ये देश कहीं नहीं जा रहा है. कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है. और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा, उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट कर, उन सबको जेल में डालो और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं, संपत्ति के किस, कुछ ना कुछ तो इसके रिपरकशंस होने चाहिए. मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है.